तमादिदेवं पुरुषोपुराणं तमालवरणं सुहिताबुतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपं शिशिल भक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए बद्ध जीव किसी भी हालत अपना मंगल का व्यवस्था नहीं कर सकता। बद्ध जीव अपना मंगल का व्यवस्था करने जाए तो बदले में अमंगल ही हो जाता है। बद्ध जीव अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा किसी भी हालत अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकते, संभव नहीं। परम मंगल का बात छुपे हुए रहते हैं, गुप्त है। मंगल का जो डेफिनेशन, जो व्याख्या आपका दिल में बैठे हुए हैं आप लोगों का, परम मंगल ऐसा कोई चीज नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृतों में सुंदर बताया गया अमंदोदय दया, आपका ऊपर किसी ने दया कर दिया, लेकिन वो दया जो है वो दया वास्तव दया नहीं है। किसी ने आपके ऊपर दया कर दिया लेकिन ये दया के द्वारा आपका जिंदगी में खतरा पैदा हो सकता, मुसीबतें पैदा हो सकता। और जो दया अमंदोदय दया, जिस दया से कोई अमंदो अमंगल का कोई संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसी को बोला जाता है अमंदोदय दया। जैसे एक उदाहरण दे दें, शंकर भगवान का नाम है आशुतोष। आशुतोष किसको बोला जाता है? बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाने वाला, इतना जल्दी संतुष्ट कोई देवता नहीं हो, और इतना जल्दी असंतुष्ट भी कोई देवता नहीं, क्योंकि ठाकुर जी शंकर भगवान के ऐसा ही सेवा दे के रखा, इसमें यही ठीक है। खनी रुष्ट खनी तुष्ट खनी खनी रुष्ट तुष्ट, ये शंकर भगवान, लेकिन अंदर में एकदम पक्का वैष्णव। पक्का वैष्णव तो भूल की बात है, इतना बड़ा वैष्णव हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा भागवत का विचार है निम्न गानम यथा गंगा देवानाम उच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम तु इदम भागवतम। निम्न गानम यथा गंगा, नदियों में गंगा, जमुना का कोई तुलना होता ही नहीं, हो तो गोलोक का बात है। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम उच्युतो यथा, देवता में उच्युतो सबसे बड़ा है, इससे ऊपर कोई नहीं है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में शंभु शंकर भगवान का नाम आता है। और गोलोक वृंदावन में जो गोप गोपी गोपी, इसका बात तो आएगा नहीं इधर। वैष्णवानाम यथा शंभु और पुराणाम पुराणानाम तो इदम भागवतम, ये भागवत जी महापुराण है। सारे पुराण और उपपुराण जितना सारे हैं, इन सबों में सबसे अनोखा है, इसका ऊपर कोई नहीं। अभी बात उठता है, अभी बात ये है, जो शंकर भगवान का सामने बहुत सारे असुर लोग हैं, ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी रजोगुणी, रजोगुण का अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी, शंकर भगवान बाहरी दृष्टि में तमोगुणी का अधिष्ठात्री देवता, तो ऐसा ही है। शंकर भगवान का साथ
असुर भूत प्रेत रहते हैं और ये शंकर भगवान का तपस्या करे तो कुछ भी मांग ले तो दे दे, चल ठीक है हो जाए आशीर्वाद। लेकिन उसका बाद क्या होगा वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, तू मांगा था हम दे दिया। जैसे शंकर भगवान विकासुर बोले हमको एक आशीर्वाद चाहिए, कौन सी आशीर्वाद, बोले जिसका सर पे हाथ रखूं हूँ मर जाए, ये प्रसंग आएगा। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर मांगे, कौन सी वर चाहे, बोले अमर वर, वो तो होगा नहीं अमर वर, तो दूसरा कुछ मांग ले, हम खुद ही अमर नहीं है, हम तो स्वयं अमर नहीं, अमर वर कैसे दे? तो घुमा फिरा कर ब्रह्मा को बोका बनाकर ले लिया। लेकिन इन सबों में इन सब कृपाओं में इन सब दया में दया दिखा, इन सब कृपाओं में सारे अमंगल ही अमंगल पैदा हुआ, मंगल नहीं हुआ। और एक छोटी सी घटना हम बता दे, अमंगल कैसे जिंदगी में आ सकता, किसी के आशीर्वाद हुआ, किसी के द्वारा हम दया प्राप्त किया, किसी के द्वारा ठीक है, लेकिन वो दया जो है वो अभिमिश्र दया अर्थात उसमें परफेक्शन नहीं है, विशुद्ध दया नहीं है। जैसे हमारा श्यामानंद गौड़ीय मठ बोल के एक मठ है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में, वहाँ एक लड़का शिक्षित लड़का ग्रेजुएशन किया हुआ है, नौजवान मठ में प्रायः आते रहते हैं, रोज आके ठाकुर जी को दंडवत करे, मंदिर थोड़ा सफाई करे, सेवा विवा करके फिर अपना घर जाते डेली। लेकिन उसका नौकरी चाकरी नहीं लगा, आज तक नौकरी चाकरी नहीं लगा, ठाकुर जी के पास आते हैं परिक्रमा कीर्तन सब में हिस्सा लेते हैं, सफा सोरा सेवा भी करते, अब नौकरी नहीं लगा, ट्यूशन करके चलाते रहते। और बाद में क्या हुआ, उसका जो चाचा जी है, चाचा जी बोले भतीजा को तेरा नौकरी नहीं लगा है, एक काम कर, मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, ते पैसे से कुछ व्यापार बिजनेस शुरू कर दे, बिजनेस तो खाना पीना नहीं चलता, ट्यूशन करके कितना मिलता है, पिताजी नहीं है, माँ विधवा है, पिताजी मर गया, तो बड़ा मुश्किल से संसार का गुजारा हो रहा, बड़ा मुश्किल से। तो चाचा जी ने पैसा दे दिया, वो बोले कौन सी व्यवसाय करे, तो एक काम करे, पान जो है, पान जानते हो, पान खाते हैं लोग, पान खेती तो था ही, खेती में थोड़ा पैसा लगा के पान का चास कर दिया, पान वो पान जो हुआ, पान का मार्केट बहुत अच्छा, वाराणसी आदि इलाहाबाद सब जगह भेजना शुरू कर दिया, बहुत मेहनती लड़का था, और ऐसा व्यापार शुरू हो गया। पहले से तो आशीर्वाद था ही था, क्योंकि मंदिर का मार्जन संतों महात्मा का थोड़ा वो सेवा तो हो पहले हुआ करता था, और अभी बिजनेस जम गया, इतना सुंदर बिजनेस हो गया कि मत पूछो। अब मठ में आना जाना कम हो गया, और संत महात्मा का साथ कोई मार्केट में देखा हो कि बेटा आता क्यों नहीं, बोले क्या करे महाराज, थोड़ा बिजनेस खोला है उसमें व्यस्त हो गया थोड़ा, और सप्ताह में एक दिन आना, संडे को थोड़ा मुश्किल से आ पाता, आरती फरती सब बंद हो गया, क्योंकि बिजनेस है, देखना पड़ता, संभालना पड़ता। अंतिम में क्या हुआ, माता जी बोले देख तेरा तो उम्र काफी हो चुका, अब शादी कर ले। और उसका बाद शादी करा दिया। शादी कराने के बाद उसका जो व्यस्तता और ज़्यादा हो गया, क्योंकि शादी तो हो ही गया, अब मुश्किल से महीना में एक दफे आ पाता, एक बार।
उसका बाद धीरे धीरे बाल बच्चा पैदा हुआ और आना बंद हो गया। तो गुरुवर्गो ने बोला देखो ये तो चाचा जी, तो चाचा जी ने तो दया दिखाया, दया तो है ही है, किसी को पैसा देना, बिजनेस खोल देना, किसी को भोजन देना, कापड़ देना, तो दया है ही है, दया नहीं है तो बोल नहीं। लेकिन ये दया जो है, ये दया जो है, ये दया से कितना अमंगल आ गया। देखो जो लड़का करीब करीब पहुंच रहा था ठाकुर जी का, गौड़िया मठ में आने का मतलब ठाकुर जी का करीब करीब आ गया, अब उसका आना ही बंद हो गया, कीर्तन सुनना हरि का तो सारे बंद हो गया। तो चाचा जी तो चाचा जी है, चाचा जी का कृपा ऐसा हुआ तो ठाकुर जी से दफा हो गया। इस जगत का कृपा ऐसा है, और जो वास्तव कृपा है चैतन्य महाप्रभु का कृपा, गुरु वैष्णव का कृपा जो है गौड़ीय संप्रदाय में, एक कृपा के द्वारा कभी भी किसी भी तरीका अमंगल नहीं आ सकता। अगर तुम अपराध कर डालोगे, अपराध कर दोगे, तो उसके लिए हम जिम्मेवारी नहीं है। अपराध नहीं किया तो ये सोचो कि आपका मंगल ही मंगल, आपका मंगल का कोई संभावना है नहीं। काल बड़ा मुश्किल से इस श्लोक को थोड़ा व्याख्या किया, और जो शिवदम मंगलप्रदो इसका ही व्याख्या किया, और शिव शिव दो, शिव माने मंगल, मंगल को देने वाला। भागवत जी महापुराण के जो मंगल जिसका व्याख्या हम किया, इसलिए जो शिवदम तापत्र उन्मरणम, ये शिवदम का मतलब ये, मतलब ये मत समझो कि मंगल हमारा हो गया, मंगल का जो जो विचार हमारा दिल में बैठता है वही मंगल है, ये मंगल है। भागवत जी महापुराण के द्वारा जो मंगल आपका जिंदगी में आएगा, ये अनंत काल आपका साथ रह जाएगा, इसमें कोई ये कोई असुविधा नहीं है। तो काल इतना तक हम व्याख्या किया था, श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाभागवत। सुखदेव गोस्वामी जी कौन हैं? भले ये जो आपका रोमहर्षण, आपका जो इनके लड़का, और वेदव्यास जी से इनके पिताजी बड़ा ये सब शास्त्रों का अध्ययन किया, और ये जो सुतोदेव गोस्वामी अभी है, ये सुतोदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी का पास हरिकथा श्रवण प्रवचन सुने, भगवत कथा का प्रवचन, उसी समय ये सुतोदेव गोस्वामी वहाँ मौजूद थे। सुतोदेव गोस्वामी उसी कथा में मौजूद थे और पहले बैठा हुआ, पहला सारी जो है उसमें बैठा हुआ था, और सुखदेव गोस्वामी जी का पूर्ण कृपा इनके ऊपर हो गया। और जिसका ऊपर परमहंस गुरु वैष्णव का कृपा बन जाए, तो पहले भी हम व्याख्या कर चुके, ये जो कृपा हो गया ये कृपा ठाकुर जी का ही कृपा है। प्रभुपाद जी ने बताए परमहंस गुरु वैष्णव का कृपा किसी के ऊपर हो गया तो ये मान लो कि 100% ठाकुर जी का ही कृपा हुआ। गुरु वैष्णव का कृपा, शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा का मतलब भगवान का कृपा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरा सा भी कोई डाउट है नहीं। इनको सत्कार करके 88,000 ऋषियों में सनकादि ऋषि प्रधान है, अग्रगणी है, ये सब बैठा के आसन में बैठाकर चरण वंदन किए और बैठा दिया कि हमारा जिंदगी तो जा रहा है। हजारों साल का यज्ञ शुरू हुआ है, हजारों साल तक यज्ञ चले, हजारों साल तो बहुत दूर की बात है, इतना दिन में यज्ञ किए, देखो ये काला पड़ गया, यज्ञ का धुआं है वो काला पड़ गया, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। सत्कृतम सुतमासीनम
प्रपच्छु मिदम आदरात बड़ा आदर के साथ वक्ता और श्रोता ये दोनों में अगर आपस में बहुत प्रीति हो जाए प्रेम हो जाए तो कथा का आनंद एकदम उछल पड़ता है। जो श्रोता ऐसा होता है कि जो वक्ता है व्यासगति में जो बैठा हुआ है जो संत महात्मा उसका हृदय में जो गंभीर विचार है इतना विचार है इतना गंभीर विचार, लेकिन श्रोता जो है श्रोता अगर सही नहीं है तो वो विचार प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। वो विचार प्रस्तुत नहीं हो पाओ तो है ही है अंदर। जैसे गौ माता को दोहन करने जाओ दूध करने जाओ दोहन करने जाओ, एक ग्वारिया है वो दोहन करेगा गौ माता को 5 केजी दूध निकलेगा, आप दोहन करने जाओ 2 केजी से ज्यादा निकलता नहीं, क्योंकि उसका टेक्निक जानता है। इतना सुंदर वो टेक्निक जानता है, वो उस गौ माता को दूध छुपा के रखती है बछड़ा के लिए। तो ये जो है पद्धति श्रवण और कीर्तन, एक कीर्तन करने वाले भगवत कथा का और श्रोता भी ऐसा होनी चाहिए जैसे वक्ता का हृदय को मंथन करके उससे जितना सारे गंभीर सिद्धांत हैं उसको निकाल दे स्नेह के द्वारा प्रीति के द्वारा। श्रील परीक्षित महाराज जी को ऊपर सुखदेव जी महाराज का बड़ा भारी कृपा हुई और बोलते चले गंभीर सिद्धांतों को, लेकिन प्रायः ये दुनिया में ऐसा वक्ता श्रोता का जोड़ी नहीं दिखाई पड़ता। वक्ता और श्रोता का ऐसा जोड़ी दिखाई नहीं पड़ता, संभव नहीं। और बड़ा आदर के साथ सुतदेव गोस्वामी को बैठाया गोदी पे और वंदना करके बोलते चले, 2-4 शब्द हम बोलेंगे, बहुत सारे गंभीर है, बहुत अनंत सागर है भागवत जी महापुराण। ऋषयो उछू ऋषिगणो, ऋषिगण बोलना शुरू कर दिया, प्रार्थना शुरू कर दिया, ये तया खलु पुरा नानी से इतिहासा निचानग अख्यातानी ओपि अधितानी धर्मशास्त्राणी जानी उत। तया आप जो है पुराण आदि सब हैं इतिहास ये सब तो आप बड़े पढ़े लिखे हैं विद्वान हैं। और उसका बाद एक बात बोला चानग, तुम तो आप तो पढ़ कर चुके हैं बड़ा विद्वान हैं ये सब। तया खोलो पुराणानी, पुराणानी मतलब पुराण सकल सकल पुराणानी, सारे पुराण को पाठ किए इतिहास आदि प्रामाणिक जो है सब पाठ कर चुके हैं। चानग ये सब तो पाठ कर चुके हैं आप, अनघ ये शब्द उच्चारण किया, अनघ मतलब निष्पाप। अब ये प्रश्न उठता है यहाँ ये तो कोई प्रसंग नहीं है कि यह अनघ निष्पाप बोलने का तो दरकार नहीं, निष्पाप गुरु जी को कोई निष्पाप बोले, गुरु जी तो है ही प्रतिपावन। ये जो इधर निष्पाप ये शब्दों का उच्चारण किया टीकाकारों ने सुंदर व्याख्या किया, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने सुंदर इसका ऊपर व्याख्या की। ये यहां जो चानघ सुतदेव गोस्वामी भागवत कथा प्रवचन के लिए बैसगदी में बैठे हुए हैं, बैसगदी में आप बैठा दिया तो जिसको बैसगदी में बैठा दिया वो तो पवित्र है ही है। तो यहाँ चानघ अनघ बोलने का क्या, निष्पाप बोलने का क्या दरकार है, दरकार नहीं। लेकिन टीकाकारों ने बताया विशेष करके प्रभुपाद सुंदर व्याख्या किया इसको ऊपर, भाई ये अनघ ये शब्दों के द्वारा सरस्वती दिव्य सरस्वती वैकुंठ सरस्वती ऋषियों का जवान पे ये शब्दों को बैठा दिया, बैठा के जगतवासियों के सामने एक बड़ा भारी समस्या का समाधान किया। कौन सी समस्या, बोले समस्या ये है कि
आम आदमी समाज का आदमी सोचे कि सुतदेव गोस्वामी पद सुत है, सुत मतलब विलोम और ये जो है ना अनुलोम विलोम, हाँ अनुलोम विलोम के द्वारा बाबा ब्राह्मण है, माँ क्षत्रिय है, माँ ब्राह्मण है, पिता क्षत्रिय है, ऐसा अनुलोम विलोम, इसके द्वारा जो संतान का पैदा हो माना आविर्भाव होता है ये बड़ा, इसको इसीलिए इधर बताया गया जो सुतोदेव गोस्वामी सुते के द्वारा ओ उसका जो जो विषय है इसको बोला गया ये। और इसका ऊपर कोई अगर उल्टा विचार करे ये इसमें इसका अपराध हो जाएगा, अगर कोई उल्टा विचार करे तो ये सो अनुलोम विलोम अनुलोम के द्वारा पैदा हुआ है, ऐसा अगर चिंता करे तो अपराध हो जाएगा। इसका समाधान करने के लिए सरस्वती जी पहले ही ये बात को उच्चारण किया कि आप लोग संदेह मत करो, हर हालत में सुतदेव गोस्वामी पवित्र है, चानक पवित्र, इसका कोई क्योंकि जो भागवत भजन में लगता है भागवत भजन करता है कथा बोलता है वो पवित्र नहीं है ये किसी भी हालत से संभव ही है नहीं। व्यासदेव का आविर्भाव देखो उसमें भी आपको डाउट होगा, व्यासदेव का आविर्भाव कैसा हुआ पराशर नंदन, इसमें भी आपको लगेगा भाई मैं हम तो ब्राह्मण हूँ अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए इस समस्या का समाधान छोटे से शब्दों में थोड़ी सी शब्दों में हम व्याख्या कर दिया। अख्यातानी ओपी अधितानी, आप तो इतना बड़ा विद्वान हो सारे पाठ कर चुके हो और अध्ययन अध्यापना, एक है अध्ययन अध्यापना, सब कोई को सिखाने के लिए अध्यापना भी करते हो, जितना सारे धर्म शास्त्राणी जानी उतो सभी किया। और इधर बताया जानी वेद विदान श्रेष्ठो भगवान भद्रायण अन्य च मुनय सूतो परावरो विदो विदो, वेद वेदज्ञगण श्रेष्ठ भगवान वेदज्ञगणों के मध्य सबसे ऊंचा किसका स्थान है वेदव्यास, और सद्गुण ब्रह्मो निर्गुण परब्रह्मो तत्ववेत्ता जितना सारे मुनि ऋषियों हैं हैं अपरापर मुनिगण जो कुछ भी इन मुनि ऋषियों को हृदय में मुनि ऋषियों का हृदय में है सारे आपका हृदय में है, इसका लिए तो कोई संदेह नहीं है। और गुज्जात गुज्जो गोपन गुप्त से गुप्त विद्वा सद्गुरु सत्शिष्यों के हृदय में दे देता है, सत्शिष्य अगर है पक्का शिष्य अगर मिल गया तो गुरु जी का पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वो शिष्यों को नहीं दे सकता, वो दे हर हालत में दे देंगे। ब्रुयु स्निग्धोस्व शिष्यस्य गुरु भो गुज्जमपि उतो, गुज्जाति गुज्जो जितना सारे विद्वा है ज्ञान है गुरु जी ये सत शिष्य को हर दे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब स्निग्ध शिष्य जो स्निग्ध शिष्य इधर बोला है ब्रुयु ब्रुयु हो स्निग्धस्व शिष्यस्य गुरु भो गुज्जमपि उतो, गुज्जाति गुज्जो जो ज्ञान के प्रसंग है ये सदगुरु सत्शिष्यों को देते हैं दे देते हैं। अब यहां स्निग्ध शिष्य किसको किसको बोला जाए, अब कोई प्रश्न करे स्निग्ध शिष्य को गुरुजी बड़ा गुज्जात गुज्जो ज्ञान को दे देते हैं। अब ये जो स्निग्ध शिष्य इसका माने क्या है, स्निग्ध शिष्य जो बताया इसका माने क्या है, इसका माने प्रभुपाद जी व्याख्या किए स्निग्ध मतलब ये मत समझो कोई आदमी चुपचाप रहे बातें कम करे, अंदर में तमगुण रजोगुण तो है ही है, बाहर में दिखाई पड़ा बहुत शांत है वाह बहुत सुंदर तो है, अंतर में विषय का लहर चल रहा है। वो गुरुजी का सामने आया कपट भाव दिखाया कपट सेवा किया, बहुत सारी चीज गुरुजी से लेने के लिए व्यस्त है क्योंकि वो जानते हैं
ये महात्मा के सामने रहे तो मेरा नाम फैल जाएगा चारों। ये जो महात्मा है बड़ा उच्च कोटि का महात्मा है, इनके साथ रहे तो मेरा भी नाम हो जाएगा जगत में, ऐसा जो विचार है वो स्निग्ध शिष्य नहीं है। पोपा जी ने स्निग्ध शिष्यों का व्याख्या किए, जो शिष्यों का हृदय में गुरु जी का आचार, गुरु जी का विचार, गुरु जी का सिद्धांत, गुरु जी का चरित्र आदर्श जिन शिष्यों का हृदय में प्रकटित हो जाता है, जिन शिष्यों का हृदय में गुरु जी का आदर्श आचार सिद्धांत प्रकटित हो जाता है, 100% आप समझ के रखो वही सिद्ध शिष्य है। कितना परफेक्ट सिद्धांत हो गौड़ीय मठ का, कोई दुनिया में जितना बड़ा विद्वान हो किसका पास नहीं, ये सब सिद्ध, ये सब सूक्ष्म विचार नहीं है। एक दफे गोरखपुर से गीता प्रेस उधर से चिट्ठी आया गौड़ीय मठ में, बागबैर गौड़ीय मठ गौड़ीय मिशन में, जो आपका बहुत भजन का, आपका बहुत गौड़ीय मठ का बहुत नाम हो गया अब चारों ओर, तो आपका गौड़ीय मठ का क्या विचार है, क्या भक्ति है, कैसा है, तो आप जानकारी के लिए, आम आदमी की जानकारी के लिए काम करो, थोड़ा आर्टिकल भेजो। उधर से पर्तन आया गोरखपुर से गीता प्रेस से प्रभुपाद जी का पास एक चिट्ठी आए, चिट्ठी आई, चिट्ठी को देख के प्रभुपाद जी ने ठीक है कोई बात नहीं, गोरखपुर तो सेवा करते ही हैं, इतना सारा धर्मग्रंथ का प्रचार करते हैं तो अच्छा ही काम है, ठीक है। प्रभुपाद जी ने अपना गौड़ीय सिद्धांत को विचार आर्टिकल धीरे धीरे लिखते चले, मोटा आर्टिकल लिखे, जैसे कि पार्ट पार्ट करके ये महीना वो महीना प्रकाशित हो। लेकिन हैरान की बात है, जो वो आर्टिकल गोरखपुर प्रेस में पहुंचा, संपादक मंडली में पहुंचा, वो आर्टिकल और लिखनी जो है वो पढ़ने के बाद वो लोग हैरान हो गया, पागल हो गया, बोले ये लिखा जो हम बाजार में हम दे देंगे अपना पत्रिका तो हमारा कोई कुछ नहीं रहेगा, इतना सूक्ष्म विचार है, पब्लिक तो उल्टा समझेगा, इतना कठोर विचार है ये, तो ऐसा नहीं, गोरखपुर का कैसा विचार है, तुम भी ठीक है हम भी ठीक, आता रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है चलो क्या बात है, जोगी भी है ज्ञानी भी है मायावादी भी है सब चलेगा कोई बात नहीं, ऐसा है। शुद्ध सिद्धांत तो एकमात्र गौड़ीय विचार में ही आता है, तो वो लोग छपा तो है आर्टिकल का थोड़ा बहुत पोर्शन छप दिया और बाद में चिट्ठी लिखा, और पूरा आर्टिकल नहीं छप पाया क्योंकि लैक ऑफ स्पेस, जगह का अभाव, उतना छप नहीं पाए, वो गायब कर दिया लेखा को, क्यों वो लेखा अगर छापे तो मुश्किल हो जाएगा, कठोर विचार है इसमें। तो ये है स्निग्ध शिष्यों का व्याख्या की ये हमने, और कलिकाल में प्रायः प्राय न अल्प आयुष्य सभ्यो कलौ अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। प्रायः कलयुग का जो जीव है आदमी है सो उसका आयु बहुत स्वल्प है, अल्प है, और मंद भाग्य है, भाग्य बहुत खराब, अकलमंदी, और हर समय तबीयत खराब रहता ही है, तबीयत कब ठीक रहता है हर वक्त तबीयत खराब है, एक ना एक बीमारी, मंद भाग्य है जो ये कथा कीर्तन में भजन में मन नहीं लगता, ठाकुर जी का और जाने का इच्छा, और सुमंद मतयो क्या है, इतना सुविधा सुजोग होने का बाद भी उसका कोई इच्छा नहीं पैदा होता, सुमंद मतयो भाग्यमंद है क्योंकि पहले का सुकृति तो है नहीं। काल हम व्याख्या किया था, बहुत जन्मांतर भवेत पुण्यो तदैव श्रीमद् भागवतम लभे, भागवत का विचार भागवत का श्रवण तब होता है जन्मांतर में बहुत पुण्य भक्तिन्मुखी सुकृति जो है अगर जमा हुआ है
तब संभव है, नहीं तो होगा नहीं। तो मंद भाग्य उपद्रता है, और सारे कर्मकांड में लगा हुआ है, सारे कर्मकांड में लगा है, शुद्ध भक्ति का कोई विचार है ही नहीं। आ ये जगत में सुनने का विषय बहुत कुछ है ना, स्वर्ण का विषय तो कम नहीं है, बाजार में जाओ तो कितना सुनने को मिलेगा, घर में जाओ सुनने को मिलेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ, कचौरी कचहरी कोर्ट कचहरी में जाओ, बहुत सुनने को मिलेगा। भूरिनी भूरी कर्माणी स्वतोव्यानी विभाग सह अतः साधो अत्रो तत्स्वारम समुद्रित मनीष्वया ब्रूही भद्रायो भूतानम जेनात्म सुप्रसिद्धति। इसमें शिष्यों का एक सुंदर भाव पैदा हुआ। ये जो श्लोक है इसका व्याख्या बहुत समय तक होना चाहिए, लेकिन हमारा समय कम है। इसमें एक शिष्य कैसा, एक शिष्यों का क्वालिटी कैसा हो, एक शिष्यों का गुण जो है, एक शिष्यों का जो भाव जो है कैसा होना चाहिए, एक शिष्य वास्तव शिष्य गुरु जी का सामने जाकर अपना जवान को खुलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, क्योंकि जाने वो हमारा गुरु जी है, इसका सामने बातें करने जाए तो हमारा अपराध हो जाए, क्या बातें करें, बातें करना नहीं जानता, उल्टा पलटा करेंगे, इसलिए चुपचाप रहते हैं और जो बोलते हैं सुनते हैं। और ये शिष्यों का गुण है, गुरुजी जो बताए भजन का पद्धति वो सुने और उसको जीवन में अपनाए, सुनते रहे लेकिन जिंदे में गुरुजी का जो वाणी है, जो आदेश है, पालन नहीं किया, करोड़ों जन्म भजन करो, कुछ नहीं होने वाला। सिंपल आरती दर्शन में नहीं आते तो उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साधारण आरती दर्शन सुबह में परम पिता संत महाराज जी बोलते थे, गुरुवर को बोलते थे, जो आरती दर्शन ना करे उसका जिंदगी संसार में जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। वो ठाकुर जी का मंगल आरती, नाम क्या, मंगल आरती, ठाकुर जी का चरण ना दर्शन करे और राक्षस माँ, राक्षसों का माँ भी खाना शुरू कर दिया, वो तो राक्षस है, मंगल नहीं होगा उसका पूरा दिन, हजारों बार बोलो मानेगा नहीं। और ये जो है गुरु वैष्णव के सामने जाके शिष्य क्या करता है, चुपचाप रहता है, गुरुजी जो बोले सुने, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो बोले, अपना तरफ से गुरुजी को दबाकर बातें बोलना, गुरुजी ऐसा ऐसा है, वो उन्होंने ऐसा भजन किया, हमने ऐसा भजन क्यों नहीं होता, वैसा फलाना सब बोलना शुरू कर दिया, फालतू बात। यहां जो है सनकादि ऋषि का जो गुरुजी का सामने विनम्र भाव, इसका परिस्फुटन हुआ है। बोले हम तो कुछ कम, हम तो कुछ जानते ही नहीं, गुरु वैष्णव के पास जाके शिष्य क्या बोल, गुरुजी हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो कुछ, हमने ऐसा किया, हमने वो सेवा किया गुरुजी का सामने, वो शिष्य नहीं है, कभी नहीं हो सकेगा शिष्य, शासन नहीं माने तो शिष्य कैसे। तो ये जो है इधर एक शिष्य का गुण है, जो जो सुंदर सफा इधर पर इधर दिखाई पड़ता है, जो सनकादि ऋषि सुतदेव गोस्वामी जी को बताए कि हम तो, हम लोग तो कुछ जानते नहीं, आप एक काम करो, हमारा मंगल का जो व्यवस्था है वो आप ही संभालो, हमारा जो, हम लोगों का जो मंगल का व्यवस्था है वो आपका ही जुमा है, आप चिंता करो कैसे क्या करोगे, यज्ञ भोगो तो एक बहाना है, टीकाकारों ने व्याख्या किया, हजारों साल का यज्ञ का बहाना लेके बैठे, यज्ञ का बहाना, क्यों, यज्ञ का आयोजन करे साधु संत आते रहेगा, और उनमें से कोई सच्चा संत भी आ जाए, ये यज्ञ बहाना है। बाकी जो टीकाकारों ने व्याख्या, जो हजार साल तक यज्ञ जो है ये तो बहाना है, यज्ञों का बहाना लेकर साधु संत आते रहेगा, उनमें से कोई पक्का संत आ जाए तो माला माल हो जाएंगे, यही बात है। हाँ, बाकी साधन भजन क्या करने से हमारा चरम मंगल हो वो तो आपका ही जुमा है, आप सोचो। आप एक काम करो, सब विचार करे
सब विचार करके हैं यत स्वारम समुद्रित्व मनीषया, आपका जो मनीषी है मनीषा है वो उसमें विचार करके जो हमारे लिए मंगल है वो आप करके वो बताओ। ये नहीं बोला कि आप ये बताओ, आप ये पढ़ाए, ये प्रवचन सुना, आप अलग अलग शास्त्रों का जो विचार आपने सुने हैं उस विचार को मधुमक्खी जैसा एक एक फूलों से जाकर मधु को संचय करके चाक बनाते हैं, ऐसा जैसे गोस्वामी सर्व गोस्वामी का अष्टकम में है, नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुण सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हित करिनौ त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। नाना शास्त्रों का विचार करके गोस्वामी लोगों ने क्रीम उठाया, तुम्हारा क्या बुद्धि है, अभी बोले तो अभी भूल जाओगे। तो ये प्रार्थना किया, आप शास्त्रों का जो इतना विचार सुने हैं जिनमें इनमें से जो सबसे अच्छा है ब्रूही भद्राय भूतानाम, भूतानाम ये जगतवासी का मंगल, ब्रूही बताइए कृपा करके, ब्रूही भद्राय भूतानाम जेना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, बड़ा भारी गंभीर बात है। ऐसा शास्त्रों का विचार बनाओ जैसे जेनात्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा का जो भाव है वो खूब एकदम इतना ऊंचा जाए, ऊंचा पहुंचे, सुप्रसिद्ध थी प्रसन्नता नहीं, सुप्रसन्नता को प्राप्त हो जाए आत्मा। और ये सुप्रसन्नता दूसरे कोई साधन के द्वारा आने वाला नहीं है, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजगोह योग, किसी भी हालत से ये जो सुप्रसन्न जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, इसका श्लोक हम कालना परसु उठाया था, व्याख्या नहीं किया। सौ वही पुंसाम परो धर्मो, सौ वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक खजे अहेतु के अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध थी। ये सुप्रसिद्ध थी ये शब्दों को इधर लगाए तो दोनों को मिला वो विचार आ जाएगा हमारे महाराज, ये तो इसमें इसमें जो विचार है दोनों को मिलाओ तो इसमें सफा क्लियर है। भागवत धर्म पूरा मिलाने से तो यही आ जाता उत्तर कि भागवत धर्म है और कुछ नहीं। तो ये भागवत धर्म का ही गुप्त ऋषि प्रार्थना किया जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, जयात्मा जिसमें आत्मा सुप्रसन्न हो जाए। और बोलते चले ऋषियों का 88,000 ऋषियों के तरफ से सनकादि ऋषि जो कह रहे हैं इसमें बड़ा भारी सुनने का बात है। शिष्य का क्या क्वालिटी होना चाहिए, शिष्य विनम्र भाव हाथ जोड़ के हरिभक्ति विलास में है, हाथ जोड़ के गुरु के सामने सर झुका के बैठेंगे, अपना गुणावली शिष्य गुरु जी के सामने बिल्कुल मत बोलो, गुरु जी हमने ऐसा किया फलाना किया हमने ऐसा, बिल्कुल मत बोलो। गुरु वैष्णव के सामने चुपचाप रहना, माथा नीचू करके, हम जैसा गिरा हुआ इंसान क्या बोले, वो तो अंतर्यामी है, जो हमारा मंगल की बातें हैं कहते रहेंगे, चुपचाप रहो, तुम्हारा प्रश्न करने का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, क्वालिटी नहीं है प्रश्न करने के लिए भी, कोई अगर प्रश्न करने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रश्नों किसी विषय पर प्रश्न रखने का पहले तुम्हारा मिनिमम कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, दैट मच क्वालिटी इज नॉट देयर इन यू। प्रश्न करने का पहले भी योग्यता होना चाहिए, प्रश्न करने का भी योग्यता तुम्हारा अंदर में नहीं है, क्या करोगे, तो बड़ा बुरी हालत है। तो ये जो विचार है इसमें थोड़े थोड़े करके हमने बताया। आपन्न संस्थितिम घोरम जन्नाम विवश गृणा ततः सद्दो विमुच्चेत जद विभेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्थितिम घोराम, ये संसार घोर, ये घोरो संसारे परियामानो ना पाए दुखेरो क्लेशेशो साधु संग करी हरि भजे जोदी तबे हाय अंतो क्ले
तबे हाय अंत क्लेश है ना कीर्तन साधु संग करी हरि भजे यदि तबे हाय अंत क्लेश ये घोरो संसारे परिया मानव ना पाए दुखेरो शेष ये आपन्न संस्थितिम घोराम जन्नाम विवश गणना ये संसार चक्कर में फंसे हुए जीव कष्ट के द्वारा विमुझति विमूढ़ भाव प्राप्त कर लेते और मरते समय अचानक मुख से कभी भी नामाभास भी निकल गया जन्नाम विवश गणना विवश होके अगर जवान से हरि राम कृष्ण इत्यादि एक भी शब्द निकल गया नारायण तो हो गया आपन संस्कृति घोरम जन नाम विवश अग्न जैसे अजामिल का जिंदगी में हुआ था नारायण का नाम तो उसका जवान में आ ही नहीं सकता लेकिन कैसे आया था वो हम बताएंगे पुत्रोपचारितम पुत्र का नाम लेके किया लेकिन टीकाकरण वाला नाम लिया बहुत सारे घटनाएं सिद्धांत तो बताएंगे आपन संस्कृतिम घोरम जन्नाम विवश अग्रणा विवश हो गए नारायण विवश हो गए क्योंकि जमदूत सब लेने आए तीनों जमदूत पकड़ के एकदम पीट पीट के ले जाने के लिए आए तो घबरा के एकदम बोले आपन संस्कृतिम घोरम जन्नाम विवश अग्रणा विवश हो गए नारायण बता दिए बस फिर भी ततः शब्द विमुच्चेत तब तो संसार का जो बंधन है मेटेरियल बंधन है इनसे निकल जाते ततः सद्दो विमुच्चेत जद विभेति समय स्वयं भव ये ठाकुर जी का नाम है वो ठाकुर जी को तो ठाकुर जी को क्या होता है तो जन नाम विवश ज्ञान क्या होता है जद विभेति स्वयं भयम स्वयं भय जो है स्वयं भय भी भयभीत हो जाए स्वयं भय कौन है जमराज जी है मौत मौत का देवता जमराज जी ये मौत जो है बड़ा आश्चर्य चीज है किसी का जिंदगी में अगर मौत बोल के जो चीज है ये अगर अनुभव का साथ जिंदगी में आ जाए हम सायंकालीन अधिवेशन में इसको व्याख्या करेंगे तो वो चुपचाप हो जाए वो जिंदगी में वो जो पागलपंथी है बदमाशी है सारे समाप्त हो जाए मौत बोल के जो चीज है उसका अगर अनुभव दिल में हो जाए तो जितना सारे पागलपंथी है बदमाशी है सब बंद हो जाए हम भाई हम मरने वाला है काल नहीं तो आज नहीं तो काल कभी भी हमारा शरीर छूट जाए तो क्यों ना हम ठाकुर जी का नाम ले जिसमें हमारा परम मंगल का रास्ता खोल जाए किसी का दिल में ये भावना आता नहीं बड़ा मुश्किल की बात है जद विवेति स्वयं भयम हमारा कपिल मुनि जी कपिल देव जी भगवान ये भी मैया को बता जो हमारा डर से मत भयात बात बाती हैं सूर्यस्तपति मत भयात मृत्युश्चर से मत भय तरह श्लोक हम व्याख्या करेंगे मृत्यु हमारा डर से चर रहा है और सूर्य मेरा डर से ताप दे रहा है वायु जो पवन जो है वो मेरा डर से कर रहा है ये मेरा डर से हो रहा है तो ये जो है जद विभेति स्वयं भयम ये ठीक ही है और बाद में भगवान का ये जो सामने छह प्रश्न रख दिया वी क्या बोले छह प्रश्न रख दिया छह प्रश्नों कोबा भगवत तस्यो पुण्य श्लोकेड कर्मण शुद्धि कामो न शृण्वाद यद यशो कलिमलापहम यशो कर्माणि उदाराणि परिगितानि सुरीवि ब्रूहि न सद्दधानानाम लीलया ददतो कलह अथक्षा ही धरेर धीमन अवतार कथा सुभा लीला विदधता स्वैरम ईश्वर स्वात्म माया वयम तू न वृत्ति पामो उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षिणताम रस ज्ञानम साधु साधु पदे पदे कृतवान कील कर्माणी सहो रावण केशवा अतिमर्ताणी भगवान गुरु कपट मानसहा
কলিম আগতম আজ্ঞায় ক্ষেত্রে অস্মিন বৈষ্ণবে বয়ম আসীনা দীর্ঘ সত্রেণ কথায়াম সক্ষণা হরে হে ত্বাম না সন্দর্শিত ধাত্রা দুস্তরম নিস্তিতিরিয়তাম কলি সত্ত্বহরম পুংসাম কর্ণধার ইবার্ণবম ব্রুহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণে ধর্মবর্মণি স্বাম কাষ্ঠম অধুনোপেতে ধর্ম কং শরণম গতা। ইসকা অন্দর মে ছ প্রশ্ন হ্যাঁ আর ইসমে হম উত্তর হম দেন ছ প্রশ্ন ক্যা ক্যা হ্যাঁ সংস্কৃত মে বোলকে গিয়া উসকা ব্যাখ্যা থোড়া বহুত করেঙ্গে। কলিম আগতম অজ্ঞায় ইসমে যে যজ্ঞ কাজ আয়োজন কিয়া ইসকা যো দেখো ক্যা হম যে ব্যাখ্যা কিয়া ওই হতনা সুন্দর চালু হ্যাঁ ঋষি মুনিও নে কতনা উঁচা বুদ্ধি বালে হ্যাঁ বিচার বালে সাফা বতা দিয়া আমারে যে হাজারো সাল কাজ যজ্ঞ হিসকা অনুষ্ঠান এক তো বহানা হ্যাঁ ये बहाना है। असली बात तो ये है कि ठाकुर जी का प्रसंग आ जाए कथा कीर्तन होए हैं कथा सा ये बताया इधर और ठाकुर जी से मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है हरि नाम हरि संकीर्तन के द्वारा। सायंकालीन अधिवेशन में बताएंगे ब्रजवासी लोग सुंदर बताए सामर से मिलने का सत्संग बहाना है स्वामर से मिलने का सत्संग बहाना है। सत्संग ना हो तो ठाकुर जी मिलेगा नहीं ये तो बहाना है। तो जो भी है ये हमारा ऋषि जो सनकादि ऋषि बताए कोलिम मागो तो माज्ञायो कली आ गया ये जानबूझकर কলিম আগতম আজ্ঞায় ক্ষেত্রে অস্মিন ক্ষেত্রে এই যো নৈমিষ ক্ষেত্র হ্যাঁ ক্ষেত্রে অস্মিন ক্ষেত্রে বৈষ্ণবে বয়ম এই সারে বৈষ্ণব হামলোক যো হ্যাঁ বয়ম হাম সবে আসীনা বেঠে হুয়ে হ্যাঁ হাম সব সব কিস লিয়ে দীর্ঘ সত্রেণ এক বড়া ভারী যজ্ঞ কাজ আয়োজন কিয়া হাজারো সাল তক বলে কিস লিয়ে কথায়াম সক্ষণা হরে এ যজ্ঞ তো বাহানা হ্যাঁ কথা কা ব্যবস্থা হয়ে যায় কথা কীর্তন ইস বাহানে পে বেঠা হো ক্লিয়ার বতা দিয়ে। ও ছ প্রশ্ন কোন কোন হ্যাঁ বলে জীবগণ জীবো কাজ আত্যন্তিক শ্রেয় হ্যাঁ এই জগৎ মে শ্রেয় আর প্রেয় দু কিসম কা বাদ হ্যাঁ প্রেয় যো হো তো জর জগৎ মে সুবিধা যো হমারা সারে এসমে কিসমে আমারা আচ্ছা হোগা বুড়া হোগা এই সব জড় জগৎ কাজ বিষয় শ্রেয় ইয়ে প্রাপ্তি হেনে সে আমারা আচ্ছা হোগা এ বিষয় প্রেয় আর শ্রেয় যো হ্রেয় মতলব আত্মা কা মঙ্গল কাজ বিষয় এক শব্দ মে বতা দিয়া যো কি আত্মা কা মঙ্গল কাজ বিষয় হ্যাঁ ওই শ্রেয় जो कि आत्मा का विषय मंगल का विषय नहीं है वो है प्रेय। दोनों सेग्रीगेशन है। आज जगत का आदमी प्रेय विषय में बड़ा भारी मस्त है बड़ा होशियार है। जगत का जितना सारे आदमी हैं सब प्रेय विषय में बड़ा मस्त है बड़ा होशियार है लेकिन श्रेय विषय में इसका बारे में ही गीता में सुंदर बताया भगवान যা নিশা সর্বভূতানাম তৎসম জাগৃতি সংযমী যসম জাগৃতি সংযমী সা নিশা পশ্যতো মুনে ইসকা ব্যাখ্যা শুনে হো কবি গীতা কা যো ব্যাখ্যা হ্যাঁ ইসকা বারে মে ইসকন কা বহুত সারে ভক্ত আর গৌড়িয়া বহুত সারে ইয়ং ব্যাচ হমকো বতা মহারা আপকা গীতা কা প্রবোচন কা পুরা হ্যায় কই ডিভিডি হম বলা হাম তো পুরা নহীঁ কিয়া কিউকি সময় নহীঁ হোতা ভগবত কা প্রবচন আদি হ্যাঁ গৌড়িয়া দর্শন কা কবি কবি হম বতায় বলো সিরিয়াল হমকো চাইয়ে তো সিরিয়াল জব চাইয়ে ঠাকুরজি কে ব্যবস্থা সে হরিদ্বার মে এক মহিনা পাঁচ দিন তক গীতা কা থার্ড চ্যাপ্টার তীসরা কর্মযোগ তক হো পায়া বাকি আবি তো ভগবান আব ঠাকুরজি কে কব অবসর মিলে তো গীতা কে উপর ফির আব কমপ্লিট হোলে মে ঠাকুরজি কা ইচ্ছা হো তো হো যায়গা।
गीता का पूरा हिंदी में, हिंदी में होने से क्या है सब आदमी को मिलता है। अब बंगाली लोग तो सब हिंदी समझता ही है, टीवी देखता है, ये करता है, समझे नहीं तो हम मानेंगे नहीं, सब हिंदी। तो ये जो है, ये जो प्रश्न है, जीवों का आत्यंतिक मंगल क्या है, इसका विषय में पहला क्वेश्चन, पहला फर्स्ट, जीवों का आत्यंतिक मंगल क्या है, इसका विषय में आप कृपा करके बताइए। जिसके द्वारा आत्मा हरि सम्यक रूप में प्रसन्न हो जाते, सर्वशास्त्रों का जो जो सार है, जो धर्म श्रद्धाशील, जो श्रद्धा लेके आपका सामने बैठे हो आप लोग हमारा सामने, ये बताओ जो कौन सी धर्म का आचरण करने से भगवान संतुष्ट हो जाए। ठीक है, दो प्रश्न, एक तो आत्यंतिक मंगल किया है और कौन सी साधन करे जैसे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, सर्वशास्त्रों का सार जो है धर्म वो बताओ। तीसरा प्रश्न है, भगवान देवकी गर्भ में पैदा होने का बाद पैदा किस लिए हुए, क्या कारण है, भगवान श्री कृष्ण देवकी गर्भ में की कारण क्या कारण है, या आविर्भाव भाई कि सनातन वस्तु अजर अमर वस्तु जो है वो पैदा होने का तो कोई कारण होगा, वो क्या कारण है। चौथा है, जो भगवान अवतार, स्वयं अवतार ही कृष्ण है, जो भी है बलराम तो अवतार है, जो भी है वो लीला का कारण अवतार ग्रहण करके क्या क्या कर्म किया है, क्या क्या लीला किए हैं, हाँ, और ठाकुर जी का कैसा कैसा अवतार है, सारे अवतार के बारे में हम सुनना चाहते हैं, कैसा हरि मंगलप्रद अवतार के विषय में आप बताओ, हैं, और भगवान जी जो आविर्भाव होने का लीला किए, वो लीला का विषय में क्या क्या लीला किए सब बताओ, और ठाकुर जी का क्या क्या अवतार, मत्सो कुर्म अबराहो आदि नृसिंगो राम जितना सारे अवतार हैं वो सब हमको बताओ, क्या ठाकुर जी क्या किया, क्या क्या अवतार ग्रहण किए, सहरी मंगलप्रद अवतार की कथाएं बताओ। और जोगेश्वर हरि जब ये दुनिया को छोड़कर, दुनिया तो छोड़ते नहीं, ठाकुर जी दुनिया में है ही है, लेकिन ये कहने का मतलब है ठाकुर जी जब अपना लीला को संवरण किए, नित्य अपना धाम को चले गए, ऐसे तो ठाकुर जी ब्रह्म रूप में है ही है, गुप्त रूप में है ही है, लेकिन लीला करने के लिए ठाकुर जी उतारते हैं, अवतार बोला उतारते हैं, इसलिए तो अवतार अवतरण, अवतार कथा का मानी है अवतरण, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग प्रोसीडियर। इस प्रसंग में एक शब्द आ गया तो इसका व्याख्या कर ही दे अच्छा रहेगा। प्रभुपाद जी बोलते थे एक तो प्रोसीडियर है, एक तो प्रोसीडियर है डिसेंडिंग प्रोसीडियर, एक तो असेंडिंग प्रोसीडियर। असेंडिंग प्रोसीडियर में अपना पुरुष, असेंडिंग प्रोसीडियर डिसेंडिंग प्रोसीडियर, असेंडिंग प्रोसीडियर में अपना अब अपना पुरुषाकार अपना बल का ऊपर भरोसा रहेगा, हम जान लेंगे, जैसे कहने लोग हम जान लेंगे, ज्ञान का ज्ञान प्राप्ति करे उसके बाद ठाकुर जी को हम जान लेंगे, ब्रह्म वस्तु क्या है हम जान लेंगे, यह अपना तरफ से प्रयास प्रचेष्टा, अपना जो पुरुषाकार है अर्थ बल है, हमारे जो विद्या है मैन पावर मनी पावर, इन सबको ऊपर भरोसा रखना, भरोसा रख के जो आगे बढ़े, इसका नाम है क्या, डिसेंडिंग प्रोसीड्यूर, असेंडिंग प्रोसीड्यूर बताया, उठना हम उठे, लेकिन ब्रह्मा जी ने साफा बरता दिया, आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अधो अनादृत जुस्मद अंग्रयो, तुम्हारा चरण का नित्यता, तुम्हारा चरण जो नित्य है, एक चरण को उपेक्षा किया, इसी के कारण वो लोग ब्रह्म ऊंचा पद पर पहुंच जाए, पहुंचने का बाद भी नीचे फिर से गिर जाए, क्यों आपका चरण का नित्यता जो है आदर नहीं किया, असेंडिंग प्रोसीजर। और डिसेंडिंग एक उदाहरण दिया प्रभुपाद जी, बोले बंदरों का बच्चा देखा वृंदावन में, कोई कई जगह बंदर है, बंदरों का बच्चा क्या करता है, मैया को पकड़ रखते, और मैया छलांग लगा के इधर उधर भागे, भागा दौड़ी करे,
और बच्चा तो है, बच्चा एकदम पकड़ के रखता है। और ऐसा ठाकुर जी का लीला है, गिरता भी नहीं, कभी कभी गिर भी जाए, बच्चा अगर दुबला है तो गिर गया मर गया। तो प्रभुपाद जी ने बताया इसी का नाम है असेंडिंग पोस्टीरियर। बच्चा मैया को पकड़ के, मैया का कोई जुम्मावारी नहीं है, वो आगे चले, गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है मैया ने अपना मुंह के द्वारा पकड़ कर दूसरी जगह ले जाए, तुम जहां खुशी ले जाओ, जैसे खुशी ले जाओ, और हमारा कोई और कोई उसमें कोई मुसीबत नहीं, क्योंकि मैया का जिम्मेवारी है, मैया ले जाए। प्रभुपाद जी ने बताया कि बिल्ली का बच्चा जो है वो भगवत भक्तों का विचार ये है, ठाकुर जी जो करे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास पति तुआ अधिकार, नित्य दास हम है, हमारा व तुम्हारा अधिकार, जो करो मारो रखो कुछ भी करो तो तुम्हारा है, ये भक्तों का विचार है। और ज्ञानी जोगी का क्या विचार, हम करते रहेंगे, हम देख लेंगे ठाकुर जी को, हाँ ठीक है देख ला। तो ये जो पद्धति है, ये पद्धति पहला पद्धति जो उचित नहीं है, भक्ति का जो पद्धति है अतः आत्मसमर्पण के द्वारा जम एव एष वृणते तेन लभ्यते, नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मिधया न बहु न सूते न, बहु शोभन कर लिया, बहुत प्रवचन कर लिया अतः ठाकुर जी मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ठाकुर जी जिसको बोलेगी ये हमारा है चल, और उसका सामने अपना राज को रहस्य को खोल दे, देख जैसे ब्रह्मा जी के सामने खुला आएगा प्रसंग, जवान हम यथा भाव जवान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कहा तथैव विज्ञान वस्तु थे मद अनुग्रह, हम अनुग्रह करके तेरा सामने खोल दिया जा, ऐसा है। तो ये छह प्रश्न कर दिया, छह प्रश्नों का ध्यान रखना, पूरा श्रीमद भागवत जी महापुराण में ये छह प्रश्नों का ही उत्तर आएगा, ये जो छह प्रश्न है इसका ही एनालिटिकल उत्तर आने वाला है। और पूरा एक्चुअल भागवत जी महापुराण जो ये जो प्रश्न का उत्तर है ये शुरू होगा शाम, शाम का अवधि, ये भी भागवत है, भागवत तो भागवत ही है, लेकिन भागवत का जो प्रवचन है इसका बारे में पूरा। अब उसका पहले हम वंशीधर जी का जो वो श्लोक का देखे हम शुरू करेंगे, इच्छा है बहुत सारे आदमी एक साथ सुन ले तो अच्छा लगता है, है एक आदमी का सामने भी हम कहते ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन बहुत आदमी का मंगल हो जाए ये तो इच्छा हमारा इधर में रहता ही है, मेरा इच्छा रहता है बहुत आदमी सुन के उसका मंगल हो जाए, स्वाभाविक है, ये प्रतिष्ठा का लिए नहीं है, नहीं सुने नहीं सुने 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 क्या आता जाता है मेरा। अभी ये दूसरा जो अध्याय है, पहला अध्याय तो थोड़ा बहुत हम खत्म कर दिया, समाप्त तो कर दिया हमने। और सुतदेव गोस्वामी जो है, सुतदेव गोस्वामी अभी थोड़ा बहुत शुरू किया भागवत का वचन का, पहले गुरु का वंदना, गुरु का महिमा इत्यादि, भागवत जी महापुराण का थोड़ा स्वरूप का बारे में बोध, ये सब कह रहे हैं। और यहाँ जो है इसी को बोलता है अकलमंदी, कम बुद्धि वाले, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायु, व्यवस्था भी हो उसमें रुचि नहीं है, मंद भाग्य। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसका तकदीर जल गया, हम बताएंगे शाम को अधिवेशन में, तुम लोगों का तकदीर जल गया, अब क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, हम क्या करें। इति संप्रश्नो, ये सब प्रश्न करने का बाद, इति संप्रश्नो संघृष्ट विप्राणम रोम हर्षनी, रोमहर्षन सुतो जो है सुतो गोस्वामी पाद प्रतिपूज्यो वचस्तेषाम प्रवक्तुम उपचक्रमे, अब बोलने के लिए तैयार हो गया, इतना प्रार्थना किया जो सुनने के लिए बहुत आदमी वो ऋषि मुनि सब है, इतना विनती है, इतना विनम्र भाव है, तो वक्ता का जवान से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्यों बोले ये जो तत्व ज्ञान प्राप्ति होने का विषय गीता में भगवान ने ही उपदेश किया, गीता में कैसा उपदेश किया, ज्ञानी नो तत्वदर्शी नो है, उपदेश कैसे करे है, उपदेश कब करे, तो
बोलो तो सही। तो ये तीन कंडीशन जब तक फुलफिल ना हो जाए तब तक कृपा नहीं की। तद्विद्धि पुनिपाथेन परिपुष्ण न सेवया उपोदीक्षंती ते ज्ञानम ज्ञानी नत्वदोषे। दिस थ्री कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो दान पुण्य कर दिया महाराज, ये लो और दान पुण्य लेने के लिए बैठा है महात्मा लोग हैं। वो ये जो तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तत्व ज्ञान देने के लिए बलदेव जी महाराज गुरु तत्व का आकर आपका जिंदगी में सदगुरु और वैष्णव को भेज देंगे। ये ठाकुर जी का जिम्मेवारी है। वास्तव जिसका अंदर में मंगल प्राप्ति करने का विषय आया, भाव आया, बलदेव जी महाराज कर देंगे। इसका काम ही है, ये इसका काम ही है। जगत में देखे किस किस का इच्छा है, उठा उठा कर ले जाए, चल इसका काम है। लेकिन कोई चाहता नहीं, चाहत नहीं है। तो ये जो है तद्विद्धि ये जान के रखो, मान के रखो, समझ के रखो। तद्विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात माने प्रकृष्ट रूपे शरणागत हो जाए। प्रणिपात मतलब हम तो प्रणाम करते हैं महाराज दंडवत, ऐसा प्रणाम नहीं है। सामने दंडवती प्रणाम किया वो भी कपट है। गुरुजी बोलते थे देखो दंडवत किया, गुरुजी बोलते थे देखो दंडवत किया, दंडवत करके उठता ही नहीं, इतना भक्ति हो गया। अभी जाने का बाद गुरुजी बोलते देखा दंडवत करके उठता ही नहीं, कपट है। दंडवत करने से गुरु वैष्णव समझ जाता है ये दंडवत कर रहा है मेरे को, वो समझ जाता है। कीपा करो कीपा करो बोलने का कोई जरूरत नहीं, अंतरा अंतर्यामी गुरु वैष्णव समझ जाता है कि पकड़ दे। तो तद्विद्धि प्रणिपात, तो अपना अभिमान को बिल्कुल छोड़कर गुरु वैष्णव का सामने दंडवत होकर गिर जाना, और गिरने के बाद दंडवत का समय में वांछा कल्पतरुश्च कृपासिंधु भवेश पतितानं पावनं वैष्णवभ्यो नमः, ये शब्दों को बोलना साइलेंट, बिना कोई शब्दों स्तुति दंडवत नहीं होता। ठाकुर जी के सामने दंडवत करो से मौन दंडवत नहीं होता। मेरा बात समझा नहीं बेस? ठाकुर जी के सामने तो दंडवत का मंत्र बोलना चाहिए, कुछ ना जानो तो भगवान तुमको दंडवत है ऐसा भी बोलो, पढ़ा लिखा नहीं जानते तो ऐसा बोलो कम से कम ठाकुर जी तुमको दंडवत। बिना मौन दंडवत नहीं होता। तो काय मन और वाक्य तीनों के द्वारा, हृदय के द्वारा शरणागति हो जाओ। यह दंडवत तो दिखाते ही हो फिजिकली शरीर के द्वारा, और मन को गुरु वैष्णव के चरण में दे दो, वाक्य के द्वारा बोलो वांछा कल्पतरु से कुछ भी, तो ऐसा करके दंडवत होता है। तो ये जो दंडवत है, ये जो तद्विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब प्रणाम, लेकिन प्रकृष्ट प्रणाम, नमः ऐसा जो नमन, नमो शब्द का व्याख्या प्रभुपाद जी ने किए, नम नम मतलब के मतलब न मतलब निषेध, न मतलब निषेध, म मतलब अहंकार। निषेध का अहंकार हर हालत में अहंकार का निवृत्ति, अहंकार से निवृत्ति होकर गुरु वैष्णव के चरण में गिरना दंडवत, यही है नम प्रणाम प्रणिपात, इसका नाम प्रणिपात। ये प्रणिपात अगर सिद्ध होए अतः शरणागति सिद्ध होए, प्रणिपात मतलब शरणागति, तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न, इसके बाद हृदय में प्रश्न आएगा हमारा मंगल कैसे हो महाराज बताओ कृपा करके। कैसा प्रश्न है? महाराज जी कितना तक पढ़ा है थोड़ा चाक ले, अब टेस्ट कर ले महाराज जी वेदांत पढ़ाए कि नहीं, हम तो पढ़ा। ये प्रश्न नहीं है, परिप्रश्न नहीं है, ये तो महाराज जी को चालने के लिए, विचार करने के लिए, ये अपराध है, इसके द्वारा अपराधी होगा। तो प्रणिपात परिप्रश्न मतलब अपना मंगल के लिए, कैसे मेरा मंगल हो, जैसे सनातन गोसाई जी महाप्रभु के सामने इतना बड़ा धुरंधर विद्वान, सनातन गोसाई रूप गोसाई धुरंधर विद्वान, फिर भी महाप्रभु के सामने चरण में गिर कर प्रश्न कि आमी कहने मोरे जारे तपुत्र आए, यहां नहीं जानी कोई से मोरहित हो, कैसे मेरा मंगल हो
है, मैं नहीं, मैं गिरा हुआ इंसान हूं, ये इसका बारे में बताओ आप, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या करने से हमारा वास्तव मंगल होगा, ये जो क्वेश्चन है इसी को, ये एग्जाम्पल हमने दे दिया, इसी को ही बोला जाता है क्या परिप्रश्न। भागवत जी वहां पर शुरुआत में हम व्याख्या करेंगे, दूसरा स्कंद परीक्षित महाराज प्रश्न किए सुखदेव जी का, सुखदेव जी के सामने अथो पृच्छामी संसिद्धि इत्यादि हम व्याख्या करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। तो इसको परिप्रश्न जिसका बारे में भागवत में बताया, अथो तो तत्व जिज्ञासा, अथो तो तत्व जिज्ञासा भागवत में, अब वेदांतों में इसी का ही खुला, यही बात को खुला, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ही है अथा तो तत्व जिज्ञासा, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ही है अथो तो तत्व जिज्ञासा, एक ही है। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म मतलब तत्व जिज्ञासा, एक ही तो हुआ, वाक्यों में थोड़ा ही हेर फेर हुआ लेकिन एक ही माने है। तो ये जो है पुणिपात परिभूषण सेवा, और सेवा अगर ना करो तो ज्ञान सिद्धि नहीं होगा। हम अगर गुरु जी के सामने सेवा वास्तव नहीं किया, कपटता किया, तो हमारा ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। वास्तव सदगुरु वैष्णव के सामने सेवा करे तो उस सेवा का हर हालत में 100% उसका फल मिलता है। सेवा किया फल नहीं मिला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं, या तो है ये जो आया सेवा करे वो कपट है, कपट सेवा भी होता है तो, हाँ नहीं तो संत महात्मा जो है तत्वज्ञानी नहीं है, दोनों में एक होगा। एक उदाहरण हम दे दे बहुत अच्छा लगे, भले गौड़ीय मिशन में, गौड़ीय मठ है मिशन में, बहुत दिन पहले का बात है, पौपात का समय, एक मारवाड़ी व्यक्ति रोज आते थे, भेंट चढ़ाते, दंडवत करते और ठाकुर जी के सामने आकर दंडवत करके ये बताते, हम पापिष्ट है, पापो हम पापस्कर्माणाम पापस पाप संभव त्राही मांग पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, ऐसा बोल के रोज दंडवत करते। और एक महात्मा ने समझ गया वो कपट है, वो अंतर में नहीं बोल रहा है, तो एक दिन उसको परीक्षा करने के लिए बोला, ओ पापी जी, ओ पापी जी, वो पीछा मुड़ के देखा हमको पापी बोल, बहुत गुस्सा हो गया, आपको तमीज नहीं है हमको पापी बोल के आपको बुला दे पापी बोल के, तो महात्मा को बड़ा फटकार दिया, गाली दिया। महात्मा ने हाथ जोड़ के बोले, महाराज हमारा क्या कसूर है, बोले कसूर नहीं है, हमको पापी बोल के पूछा, हम पापी है, बोले क्या आप ही तो खुद ठाकुर जी के सामने बताते हो, अपना परिचय तो आप ही बताते हो रोज, आप तो खुद बताते हो ठाकुर जी के सामने दंडवत करके, बोलते पाप पाप हम पापस कर्माणाम पापस पाप संभव त्राही मांग पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हर हरि, आप ठाकुर जी के सामने रोज झूठा बताते हो। तब उसका दिमाग नीचा हुआ, और एक कपट भक्ति आते थे, रोज बोलते थे महाराज दंडवत है आपका, आप कितना ऊंचा हो, हम तो कभी गिरा हुआ इंसान कभी नहीं चल पाए, हम तो आप कैसा तैगी हो, कितना बड़ा तैगी है आप, हम तो कुछ नहीं कर पाया, संसार में फंसा हुआ है। तो साधु जी समझ गया कि कपट है, तो साधु जी बोला तो तैगी हम है कि आप है, हमको तो लगता तैगी आप है, अरे महाराज ऐसा मत बोलो, हम तैगी है, हम तो भोगी है, संसार में फंसा हुआ है, हैं। तो महात्मा फिर से बोला, हमको तो लगता है आप ही तैगी है, वो कानों में आंगोली दिया, बोला हम व्याख्या कर देते सोनो, कैसे आप तैगी, आप ही तैगी हो, बोले हमने तो मामूली, हमने जो तय किया कुछ भी तय नहीं किया थोड़ा बहुत, और आपने जो है सारा तमाम अनंत ब्रह्मांडों का जो मूल संपत्ति है कृष्ण, उसको ही छोड़ के रख दिया, तो तैगी कौन है, आप तो ठाकुर जी की ही छोड़ दिया, तो तैगी तो आप है, मैं तो तैगी नहीं हूं, हम लोग तैगी क्या है, छोटा मोटा विषय का तैग किया, तो चुप हो गया। ऐसा कपट भाव लेके बहुत आदमी मेरा पास भी आता है, हम चुप हो गए रहते हैं, हम मजा देखते हैं, हम जानते हैं कपट है, वो कृपा नहीं चाहिए, कृपा अगर चाहिए तो कृपा जरूर मिले, कृपा तो चाहिए नहीं, कपट है। तो ऐसा जब पूजा करके, जब वंदना करके
व्यासासन में सुत जी को बोल के बैठा कर इतना प्रश्न किया था। प्रणिपात परिवेश सेवा, वास्तव सेवा करोगे तो इसी जिंदगी में तुम्हारा दिव्य ज्ञान आ जाएगा। संत महात्मा के हृदय में जो है जो ज्ञान है, हैं प्रणिपात विद्धि प्रणिपात परिवेश सेवाया उपदेक्षंती ते ज्ञानम, ते मतलब तत्व ज्ञानी न, तत्व ज्ञानी जो है आपको ज्ञान देंगे, हैं ज्ञानी न तत्वदर्शिन उपदक्षंती उपदीक्षंती ते ज्ञानम, ज्ञानी न तत्वदर्शिन, तत्वदर्शी जो ज्ञानी व्यक्ति है तुम्हारा हृदय में तत्व को प्रकट कर दें। हैं इसका बारे में उस दिन बताया था, क्या किसका बारे में, वो जो जाबाल का बारे में, सत्यकाम, सत्यकाम को चार पाद जो ब्रह्म का बता दिया था, वायु देवता के रूप में आया था, वायु देवता आया, अग्नि देवता, प्राण देवता, ऐसा ऐसा करके सब आके जल देवता सब बता दिया। लेकिन बताने के बावजूद जब गुरुजी के सामने आए इतना साल बाद, तो गुरुजी देख के पता चला गया कब इसको इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। गुरुजी बोले कैसा है, और दंडवत किए, उसका बाद दंडवत करने का बाद गुरुजी बोले ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। गुरुजी हम तो ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त किया, वायु देवता अग्नि देवता प्राण देवता सब बोल के गया, लेकिन हम फिर से दोबारा आपसे ब्रह्म ज्ञान को सुनना चाहते, क्या करें सुन के। नहीं, हम सुने हैं आचार्य का से मुखारविंद जिसका आचरण है, आचार्य मध्य रक्त मिश्र का एक मानुष है ये हमारा गुरुजी, ये नहीं, आचार्य जिसका पोजीशन है आचार्यों का, आचार्यों का जवान से सुनना चाहिए। गुरुजी गुरु वैष्णव शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का तत्व जो है एक ही है, अगर तुम शिक्षा गुरु को तत्व दीक्षा गुरु का अंदर देख सकते हो एक ही है तो अच्छा है, अलग से देखा तो मुश्किल है। इसका व्याख्या बहुत सुंदर है। तो गुरु जी से फिर से दोबारा ज्ञान को फिर दोबारा सुना, सुनने के बाद ज्ञान सिद्धि हुआ। तो ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तो जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जीव का तत्व जिज्ञासा ना आवे जिंदगी में वो जिंदगी बेकार है। तत्व जिज्ञासा जब तक ना आए तब तक उसका जिंदगी फजूल है, बेकार है। इसीलिए वेदांत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सनातन गुस्से किया मैं कहने मोरे इत्यादि, और यहां जो बताया भागवत में जीवस्व तत्व जिज्ञासा, ये आएगा। और यहां प्रश्न किया तो सुतोदेव गोस्वामी अभी जवाब शुरू कर दिया। अब ये श्लोक तक हम व्याख्या करेंगे शाम के अधिवेशन में, सायंकालीन अधिवेशन में हम व्याख्या करेंगे, खूब जल्दी जल्दी आना। और सुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं यंग रव यंद मन पेतम अपेत कृत्यम दैपायन विरह का पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यासानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं माध्यात्तु दीपमुतितिदिशसं तमन्धं संसारीणं करुणायोः पुराणगुह्यम् त्वां व्यासोऽनुपयामिं गुरु मुनीनां नारायण नमस्कृत नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुवशिष्ठ कृपासिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।